सुबहबंदी के तहत ड्रामा करने वाली टिकटॉकर आशा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। टिकटॉकर आशा अक्रम ने अपनी मर्जी से काबिले इतराज वीडियोस बनवाई। पुलिस का कहना है कि मर्जी से क्लास सोर्स वीडियोस बनवाना और सोशल मीडिया पर वायरल करना जुर्म है। पुलिस के मुताबिक पीका एक्ट के तहत रैम्बो और आयशा को 7 साल सजा हो सकती है। नाजरीन, आपको बताते चले, मनसूबाबंदी के तहत ड्रामा करने वाली टिकटॉकर आयशा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। टिकटॉकर आयशा इकराम ने अपनी मर्जी से काबिले एतराज वीडियो बनवाई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, बताइएगा, पुलिस की जानिब से अब कहा जा रहा है कि अब आयशा इकराम के खिलाफ ही कार्रवाई हो सकती है, मजीद क्या अपडेट्स? जी बिल्कुल, कानून में इस बात की शक है कि पीका एक्ट कहा जाता है उसे, पंजाबी में अगर किया जाए तो इसको कलंदरा कहा जाता है, कि झूठी और गलत FIR दर्ज करवाने पर मुद्दई को भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और उसकी तकरीबन कानून में सजा जो है वो 7 साल के करीब है। क्योंकि जो हालात हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से जो इंक्वायरी की गई है और जो चीजें अब आयशा की सामने आना शुरू हो गई हैं कि ये जो मुकदमा पहले नंबर पे जो अगर स्टार्ट से देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन अफसरान का ये कहना है कि ये मुकदमा ही गलत था और गलत तरीके से आयशा ने दर्ज करवाया। पहला बयान उसका 400 लोगों पर मुश्तमिल था, जबकि उसके बाद शिनाख्त के बाद सिर्फ 6 लोगों को उसने आइडेंटिफाई किया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब जो ऑडियो कॉल लीक हुई है 2 दिन कबल, इस पर पुलिस का ये कहना है कि अब पीका एक्ट के तहत आयशा पर और रैम्बो पर भी केस हो सकता है और इसी हवाले से उनको भी पकड़ा जा सकता है। इसमें इसकी सजा 7 साल के करीब है। इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से लीगल अफसरान से जो है वो मीटिंग का सिलसिला अब जारी है, जो DSP लीगल है उसके साथ ये मीटिंग हो रही है कि किस तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए और किस तरह से, अब चूंकि आयशा खुद केस की मुद्दैया थी और मुद्दई को किस तरह से पकड़ा जाएगा, इस हवाले से अब बात जारी है। चूंकि आयशा के गेट का घेरा तंग हो रहा है, अब उसे भी सामने तफ्तीश किया जा रहा है। आयशा चूंकि रैम्बो पहले से पुलिस हिरासत पे हैं, तो कभी इम्कान है कि आयशा को भी गिरफ्तार करने के बाद आयशा से तफ्तीश की जाएगी और जो चीजें सामने आई हैं, चूंकि 2 दिन कबल DIG ने, ठीक है, कभी इम्कान है कि आयशा इकराम को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह।